हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट्स यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 14 अप्रैल 2022 के द हिंदू के शॉर्ट नोट का एनालिसिस देने वाली हूं। तो चलिए देखते हैं आज के शॉर्ट नोट में आपको क्या क्या मेंशन करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है आज के शॉर्ट नोट में, देखते हैं। आगे देखिए, ये वाला जो है हिट एंड मिस इंडिया सोलर पावर एनर्जी टारगेट, उसमें आपको क्या लिखना है, इसमें ये देख लीजिए, इंडिया सोलर पावर एनर्जी टारगेट रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय किसके द्वारा रिपोर्ट प्रिपेयर किया गया है, जेएमके रिसर्च एंड एनालिटिक्स के द्वारा। और इसमें ये बताया जा रहा है इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में है ये, ठीक है। इसमें क्या है कि इंडिया विल लाइकली, ठीक है, अभी इंडिया ने एक टारगेट रखा था कि 2022 तक इंस्टॉल कर लेगा 100 गीगावाट ऑफ सोलर पावर कैपेसिटी, पर इसमें यह बताई जा रही है कि संभावनाएं जो हैं वो कम हो सकती हैं या मिस आउट कर सकती है, या देखिए तब तक पूरे कर सकती है कि नहीं, ये चीज़ एक क्वेश्चन बन के आ रहा है। दूसरा देखते हैं, इसी में दूसरा पॉइंट यह है, नियरली 19 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी इज एक्सपेक्टेड टू बी एडेड इन 2022, 15.8 गीगावाट फ्रॉम यूटिलिटी स्केल एंड 3.5 गीगावाट फ्रॉम द रूफ टॉप सोलर, ठीक है। इतनी बताई जा रही है कि नियरली 19 गीगावाट सोलर कैपेसिटी एक्सपेक्ट की जा रही है कि ऐड हो जाएगी 2022 तक, पर टारगेट 100 गीगावाट ऑफ द सोलर पावर कैपेसिटी था अपना। इंडिया करेंटली रैंक 5th आती है, ठीक है, इंडिया की जो सोलर पावर एनर्जी है वो 5th नंबर पे आती है, 1st नंबर पे चाइना है, 2nd नंबर पे यूएस है, 3rd नंबर पे जापान है, 4th नंबर पे जर्मनी है एंड 5th नंबर पे इंडिया है। किस मामले में इंडिया है, टर्म ऑफ इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी, यानी कि किस टर्म्स में है ये, इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी में इंडिया 5th नंबर पे आता है, 4 और कंट्रीज से आगे हैं जिसमें है चाइना, यूएस, जापान एंड जर्मनी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि इंडिया की क्या पोजीशन है या इंडिया के पहले कौन से और स्टेट हैं, या 1, 2, 1, 2, 3 ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कितना टारगेट था, कितना अचीव करी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं और कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो है ह्यूमन राइट नॉट डिस्कस एट 2+2 मीट, उस पर क्या लिखना है आप देखते हैं। इस पर छोटा सा ही लिखना होगा जिससे याद आ जाए एग्ज़ाम के समय जब आप इसको रिवाइज करें, तो इसमें बस ये लिख लेना है कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने बताया कि नो डिस्कशन ऑन ह्यूमन राइट इन इंडिया ड्यूरिंग इंडिया यूएस 2+2 फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग। तो ये बता रहे हैं कि कोई भी तरीके का ऐसा डिस्कशन नहीं हुआ है ह्यूमन राइट को लेके इंडिया, ठीक है, इंडिया में जब इंडिया यूएस का 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग हुआ था वाशिंगटन में मंडे को, तो ये साफ उन्होंने कर दिया है। आगे देखते हैं, ये वाला है नॉट टू एक्सटेंड ग्राम स्वराज स्कीम, ग्राम स्वराज स्कीम से रिलेटेड वाले में क्या क्या लिखना है ये देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। इसमें ये देख लीजिए प्रोग्राम्स, जो ये प्रोग्राम है, ठीक है, जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को लेकर, इसमें यह है कि प्रोग्राम का जो एम है, इसका एम या ऑब्जेक्टिव कह ले, तो ये है कि इम्प्रूव गवर्नेंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन टिल 2025 से 2026 तक, यानी कि टिल 2025 to 2026 ये एम रखा गया है कि इम्प्रूव कर लिया जाएगा गवर्नेंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब दूसरा है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर CEEA में क्या है कि अप्रूव्ड होगा एक प्रपोजल कंटिन्यू करने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को RGSA को अप्रूव्ड किया जाएगा, स्कीम जो है RGSA, ठीक है, हेल्प होगा जिससे, ये जो अगर अप्रूव्ड होगा, अप्रूव्ड स्कीम है जो, उससे हेल्प होगा 2.78 लाख रूरल लोकल बॉडीज की हेल्प की जा सकेगी। स्कीम किस किस की तरफ काम करेगा, किस किस की तरफ इसका जो ये है इंक्लूड किया गया है वर्क करने के लिए, तो यह पॉवर्टी फ्री एंड एनहांस्ड लिवलीहुड की तरफ, हेल्दी विलेज की तरफ, चाइल्ड फ्रेंडली विलेज की तरफ, वाटर सफिशियंट विलेज की तरफ, कि वाटर की सफिशियंट वाटर सफिशियंट हो, यानी कि अच्छी मात्रा में पानी पाया जाए, क्लियर एंड ग्रीन विलेज, क्लियर भी होना चाहिए और ग्रीन यानी ग्रीनरी भी होनी चाहिए विलेज में, सेल्फ सफिशियंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जिससे लोग रह सके, वहाँ विकास हो सके, वहाँ अच्छे से जीवन यापन कर सके, सोशली सिक्योर विलेज, तो ये जो है ये सोशली सिक्योर हो, मतलब किसी भी तरीके का किसी को हार्म ना पहुँचे, कोई दिक्कत ना हो, वो अच्छे से वहाँ रह पाए, ऐसा इंश्योर किया जाएगा, गुड गवर्नेंस, वहाँ पे गवर्नेंस भी अच्छी हो, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सारी चीज़ें सुचारू या जुझारू रूप से अच्छे से चल सके, स्कूलिंग हो, हॉस्पिटल्स हो, सारी चीज़ें वहाँ पे अच्छी हो, ठीक है, सबको न्याय मिले, कोई भी चीज़ हो तो उसमें न्याय मिले, उनका साथ दिया जाए, ऐसी चीज़ें हैं। और इंडेंजर्ड डेवलपमेंट इन विलेजेस, तो इंडेंजर्ड डेवलपमेंट भी किया जाएगा जो भी चीज़ें हैं इसमें, सीज वगैरह को भी लेके, तो ये चीज़ें इसमें आती हैं। तो बस आज के न्यूज़पेपर के
शॉर्ट नोट में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरे शॉर्ट नोट का एनालिसिस तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।